Yesterday's conviction in the Bartlett House encounter is a triumph of India's judicial process, a validation of the courage shown by the Delhi police officials in containing terrorism, and a closure to the rampant vote bank politics which happened in the last 12 years. प्लानिंग जो चल रही थी रात से चल रही थी, ये लोग रात से ही यहाँ इर्द गिर्द पीछे आगे पीछे घूम रहे थे। ये लोग कहते हैं सुबह 10 बजे हुई, 11 बजे हुई, ये सुबह 7 बजे की घटना है। और बैक साइड पतली गली है उसमें ही फायरिंग शुरू हुई थी पहले जी। अब वो हवा फायरिंग हो रही थी क्या, पीछे बैक साइड का तो नहीं दिखा, कहना फ्रंट पर खड़ा था। उसके बाद अचानक ही पीछे से लोग आए अंदर घुसे, अब वो फायरिंग फिर फायरिंग ही शुरू हो गई। फिर हम लोग बाहर खड़े थे तो पुलिस वाले ने हमें बंदूक भी दिखाई कि अंदर जाओ आप लोग। उस हाँ उसके सडनली उसके आधे घंटे बाद ही एम्बुलेंस आती है, पुलिस की जिप्सी आती है, सीधी अंदर जीने में जाती है। अगर डेड बॉडी लेनी थी तो बाहर से भी स्ट्रेचर पर ला के रख सकते थे, अंदर बिल्कुल जीने के पास लगा कर उन्होंने डेड बॉडी उठाई। एनकाउंटर तो जब फायरिंग शुरू हुई तो फिर समझ में आया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। अब वो पुलिस वाले बोलते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उधर से भी फायरिंग हुई, इधर से भी हुई, लेकिन उधर से भी हुई यार इधर से भी हुई तो वो फायरिंग के निशान कहीं पूरे जीने पे, छत में कहीं नहीं है। लड़के की गोली भी यहाँ लगी ऐसी सेंटर में, हेड के सेंटर में गोली लगने का मतलब हो तो आपने मारी है ना। फायरिंग ऐसे आप क्रॉस फायरिंग कर रहे हो तो उसमें तो हेड के सेंटर में तो नहीं लगनी चाहिए। पुलिस की तादाद तो बहुत थी, 1000-2000 पुलिस वाले होंगे। इनकाउंटर तो आधा पौन घंटा चला, लेकिन उसके बाद तो सील तो कई हफ्तों तक ही रही, सील महीनों तक सील रही गली। नहीं, जिन लोगों को इन्होंने मारा उन लोगों को कभी हमने देखा ही नहीं था आज तक, कभी नहीं देखा था। वो रेंट पर भी, ये कहते हैं रेंट पर थे वो हमने कभी देखा ही नहीं। उस बिल्डिंग में हर आदमी को शायद मैं जानता था, लेकिन वो लड़कों को कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था कभी। वो कहाँ से आए, कब आए, कैसे लाए गए कुछ पता ही नहीं। बहरहाल टोटल इनकाउंटर ये फेक था। दिल्ली के साकेत कोर्ट से बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिज खान को दोषी ठहराया। इस दोषी ठहराए जाने के बाद बाटला हाउस एनकाउंटर केस एक बार फिर 13 सालों के बाद सुर्खियों में आ चुकी है। दरअसल इस एनकाउंटर को लेकर शुरुआत से ही इसमें राजनीति भी शामिल हो चुकी थी। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी में इस मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगाए गए हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनकाउंटर को लेकर
कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि जो लोग आतंकवादियों की पहरेदारी कर रहे थे अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव के ठीक पहले इस इनकाउंटर का एक बार फिर खुलना और इसका एक बार फिर सुर्खियों में आ जाना कई सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अभी भी इस इनकाउंटर को लेकर राजनीति चल रही है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, बाटला हाउस से द हेडलाइन के लिए।